नाउ लेट वी अंडरस्टैंड द यूज कि भाई हम ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने समझे बट इवन दो व्हाई वी आर यूजिंग इट हम सेकेंडरी डेटा को क्यों यूज करते हैं तो वो भी हमें समझना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट्स अंडर द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे तो वही चीज यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जो सेकेंडरी डेटा है वो आपको कैसे यूजफुल होंगे. तो इट विल बी यूजफुल इन फर्स्ट अंडर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम कि भाई आपका जो करंट सिचुएशंस है करंट जो फिनोमिना है जिसके अंदर आप कुछ डिसीजंस लेनी है इश्यूज प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाइड करना है रिकॉग्नाइज करना है इवन बेटरली डिफाइन करना है तो वो समझने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए समझने के लिए उसकी प्रॉपर डेफिनेशंस क्रिएट करने में आपको सेकेंडरी डेटा हेल्पफुल होगा. अगर पास्ट का कोई रिपोर्ट है अगर उसको रीड आउट करते हो तो उसमें से आपको समझ में आएगा कि भाई पास्ट में उन्होंने क्या प्रॉब्लम था उसको कैसे समझा था उसके कौन कौन से वेरिएबल्स उन्होंने आइडेंटिफाइड किए थे. सो इन दैट वे बीइंग अ रिसर्चर्स यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड. और हमने देखा था कि रिसर्च प्रोसेस के अंदर के जो फर्स्ट स्टेप है मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का टू डिफाइन द मार्केटिंग प्रॉब्लम इज वेरी क्रूशियल. अगर बिगिनिंग में ही अगर आपने अच्छी तरह से प्रॉब्लम को नहीं समझा तो आपकी पूरी प्रोसेस आपको गलत रास्ते पे लेके जाने वाली है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ रिसर्चर्स यू वांट टू क्लेरिफाई योरसेल्फ. तो सेकेंडरी डेटा जो है वो आपको और बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को समझने में और डिफाइन करने में हेल्पफुल होगा. सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द सेकेंड डेटा. हम जानते हैं कि सेकेंडरी डेटा की कुछ लिमिटेशंस है बट इवन दो वी जस्ट यूज इट. क्यों? तो वो क्विकली इजीली अवेलेबल हो जाएगा. हमें तो पूरी प्रोसेस कंडक्ट करनी ही है हमारा जो करंट प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व करना ही है बट वो प्रॉब्लम को समझेंगे तभी हम उसको रिजोल्व कर पाएंगे. तो वो प्रॉब्लम को और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझने के लिए डिफाइन करने के लिए हमें सेकेंडरी डेटा को यूज करना होगा. सेम वे फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग द अप्रोच टू द प्रॉब्लम कि एक बार आपने प्रॉब्लम को समझ लिया बट वो प्रॉब्लम तक कैसे पहुंचेंगे कौन सा रास्ता हमारे सामने है वो प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए वो प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स है वो भी हमें ढूंढने में सेकेंडरी डेटा हेल्पफुल होगा. कि भाई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने में थियोरेटिकल मॉडल समझने में आपका कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रिपेयर करने में लिस्ट ऑफ की वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने में क्वेश्चनर बनाने में हाइपोथेसिस चेक करने में ये सारी चीज़ों आपको करनी ही है तो वो सारी चीज़ों में आपको सेकेंडरी डेटा हेल्पफुल होगा. आप रास्ता ढूंढ पाओगे कि यस ये रास्ता है कि जिसके जरिए मेरे को आगे बढ़ना है. तो सेकेंडरी डेटा जो है वो एक आपको लाइट के रूप में आपका पाथ क्लियरली आपको दिखाता है. एट द बिगिनिंग आप इनिशियल स्टेज पे आपके सामने पूरा अंधेरा है आपको सामने दिखता नहीं है तो सेकेंडरी डेटा एक लाइट के रूप में टॉर्च के रूप में आपके हाथ में है कि जो आपको आगे का रास्ता क्लियरली दिखाएगा. With the help of secondary data, you can finalize and identify what will be the my research design. कि भाई आप प्रॉब्लम को समझोगे प्रॉब्लम तक कैसे पहुंचना है उसका थियोरेटिकल मॉडल एनालिटिकल मॉडल समझोगे तो उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि भाई मेरे को आगे कंक्लूसिव रिसर्च के डिजाइन के लिए जाना है तो कंक्लूसिव के अंदर दो पार्ट है डिस्क्रिप्टिव कॉजल. तो मेरी जो करंट स्टडीज है उसके अंदर मेरे को क्या करना है मेरे को कोई प्रॉब्लम को कोई मार्केट को ग्रुप ऑफ पीपल को डिफाइन करना है उनको डिस्क्राइब करना है उनके बाइंग बिहेवियर को समझना है या दो वेरिएबल्स को आइडेंटिफाइड करना है उनके बीच में रिलेशनशिप है कि नहीं है वो ढूंढना है कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है वो ढूंढना है. तो आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है आप रिसर्च क्यों कर रहे हो आपको आगे क्या करना है कैसे करना है कौन सी रिसर्च डिजाइन यूज करनी है तो वो फाइनलाइज करने में आपका सेकेंडरी डेटा आपको हेल्पफुल होता है. तो आप जो फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हो सेकेंडरी डेटा को एनालाइज करते हो तो वो आपको आगे कंक्लूसिव रिसर्च में कैसे जाना है डिस्क्रिप्टिव के लिए जाना है कॉजल के लिए जाना है तो वो डिसीजन लेने में आपको हेल्पफुल होता है. दिस डेटा विल गिव द आंसर्स ऑफ सर्टेन रिसर्च क्वेश्चंस कि बिगिनिंग में रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढने में आपको हेल्पफुल होता है. आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स identifying the areas where we need to want informations, the areas where we want to check the hypothesis, the relationships, that will be identified based on the secondary data.
कि भाई हमने एग्जांपल देखा था कि भाई आपने अगर कोई पास्ट रिपोर्ट लेके आया कि भाई बाइंग बिहेवियर अबाउट द क्लोथ, तो वो क्लोथ वाले रिपोर्ट को स्टडी करके आपको समझ में आएगा इन बाइंग बिहेवियर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट व्हेन व्हाई हाउ, तो वो वहां पे क्या सिचुएशंस थी, कैसे कस्टमर्स कंज्यूमर्स जो थे वो डिसीजंस लेते थे, कहां से लेते थे, कौन सी चीज उनको मोटिवेट करती थी, वो कैसे डिसीजंस पे पहुंचते थे, तो ये सारी चीजें आपको वो रिपोर्ट पढ़ के समझ में आएगा। बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड कि यस अभी फुटवेयर के लिए मेरे को देखना है, तो फुटवेयर के लिए व्हाट व्हेन व्हाई हाउ, तो ये क्या हो गया, तो मेरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, उसके अंदर कौन कौन से रिसर्च क्वेश्चंस होंगे कि जिसके कारण मैं व्हाट व्हेन व्हाई हाउ के रिलेटेड मैं क्वेश्चंस क्रिएट करूंगा, कैसे हाइपोथेसिस मैं सर्च आउट करूंगा कि भाई कौन कौन से रिलेशनशिप मेरे को ढूंढनी है, कि भाई बाइंग बिहेवियर फॉर जेंडर चेंज होती है तो उनका बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है, डिस्काउंट्स तो वो मेल को ज्यादा मोटिवेट करता है या फीमेल को ज्यादा मोटिवेट करता है फॉर टेकिंग अ डिसीजन बाय द फुटवेयर, तो ये सारी चीजें मैं डिसाइड कर पाऊंगा। तो अगर पास्ट रिपोर्ट्स है उसको पढ़ूंगा तो उसके बेसिस पर मैं करंट स्टडीज को के क्वेश्चंस जो है हाइपोथेसिस है तो उसको मैं फ्रेम आउट इजीली कर पाऊंगा। इट विल हेल्पफुल इन इवन प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइमरी डेटा, कि अगर आपने सेकेंडरी डेटा को अच्छी तरह से समझा होगा, आपके प्रॉपरली एनालाइज किया होगा, तो उसके बेसिस पर आपने जो क्वेश्चंस बनाया होगा, मार्केट में गए डेटा कलेक्ट किया होगा और उसका जब आंसर्स लिखते हो, इंटरप्रिटेशंस लिखते हो, तो उस टाइम पे आपको जो सेकंड डेटा की स्टडी होगी, जो पास्ट रिपोर्ट आपने पढ़े है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे हेल्पफुल होने वाली है कि भाई आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, इंटरप्रिटेशंस क्या होगा, आप अल्टीमेटली क्या प्रूव कर रहे हो यहाँ पे, तो वो सारी चीजें लिखने में आपको आपका सेकंड डेटा का जो नॉलेज है वो हेल्पफुल होगा। So in this way, we can say these are the basic uses because of which, even though there are the limitations, we are using the secondary data as the beginning of any research. कोई भी research है तो उसके beginning part में वो problem को clearly समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम secondary data को अच्छी तरह से use करते हैं. So that कि भी हम research को अच्छी तरह से complete कर पाए और without any error वो हम complete कर पाए. So this is the use of secondary